રાજપીપળામાં મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા હર્ષોલ્લાસથી ઈદ ઉલ ફિત્રની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। સવારે તમામ મસ્જિદોમાં ઈદ ઉલ ફિત્રની નમાઝ અદા કરાવવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ મુસ્લિમ બિરાદરોએ એકબીજાને ઈદ ઉલ ફિત્રની મુબારકબાદી પાઠવી હતી। આ પ્રસંગે મસ્જિદના ઇમામ દ્વારા દુઆઓ ગુજારાઈ હતી। તેઓએ શું કહ્યું સાંભળો। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 रोज़े के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इनाम है, तोहफ़ा है, ईद मनाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से तमाम लोगों ने ईद की नमाज़ें अदा की। और जो इनाम है ईद के दिन का तोहफ़ा है, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की गई, नमाज़ अदा की गई और तमाम लोग खुशी के साथ नमाज अदा कर कर अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से तोहफ़ा है, इनाम है। और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला पूरे देश में अमन और चैन अता फरमाए और तमाम लोगों को भाईचारगी से रहने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज रमज़ानुल मुबारक की ईद उल फितर की नमाज मदीना मस्जिद में बहुत मोहब्बत और इत्मीनान और सुकून के साथ मनाई गई और मदीना मस्जिद और तमाम अहले मस्जिद के ट्रस्टियान और ज़िम्मेदारान लोगों की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक की खुशियां बयां करते हैं और दुआ फरमाते हैं रब्बुल आलमीन इस दिन के सदके तवस्सुल से हमारे देश पर आई हुई आने वाली तमाम बराओं को दूर फरमाए और तमाम इंसानियत में एक दूसरे के साथ मोहब्बत इत्मीनान नसीब फरमाए। तमाम तकालीफात परेशानियों को दूर करने में रब्बुल आलमीन हमारे इस दिन के सदक़े में तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। दुआ यही है कि रब तबारक व ताला हमारे देश में अमन, चैन, सुकून, इत्मीनान अता फरमाए। इस दिन को सबके साथ मिलजुल कर मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ गले लगने का, अपने दिलों से कीना दूर करने का, मतलब एक दूसरे के साथ ना इत्तेफाकियाँ रहती है उसे दूर करने का ये दिन अल्लाह तबारक व ताला ने रखा है, ताकि हम इस दिन के सदक़े में तमाम अपने बुरे जो भी है, छोटे बड़े पराए, अपने सब के साथ मिलजुल कर इस दिन को मनाए, ताकि तमाम के दिलों से नफ़रत दूर हो जाए और इस दिन के सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला सबको एक और नेक बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज ईद उल फितर का दिन है और आज ईद उल फितर के दिन हर मुसलमान मोमिन अपने रब की बारगाह में एक महीना रोज़दार होकर नमाज पढ़कर एतिकाफ करके पूरा महीना इबादत और रियाजत में रहकर जब आखिरी दिन यानी ईद उल फितर का दिन होता है तो सुबह के वक्त वो अपने रब की बारगाह में सजदो सुजूद होता है। और अब तमाम जितनी भी मजदूरी पूरे महीने में की होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन में उसे अता फरमाता है। ईद का दिन वो दिन है जो एक दूसरे से हाथ मुसाफा और मुनाका करने का दिन है। ईद उल फित्र यानी के हर गम को भुला देना, हर लर्जिश को भुला देना और ये एकता का भी प्रतीक है कि जब ईद उल फित्र का दिन आता है तो हर मुसलमान दूसरे गैर मुसलमान हिंदू भाई से भी मुसाफा और मुनाका करता है और अपने जो भी ख्यालात होते हैं, अपना जो भी एक दूसरे से बातचीत होती है उसे अगर खता भी हो गई हुई तो उसे एक दूसरे माफ़ी तलब करते हैं। इसे ईद उल फित्र का दिन कहते हैं।